वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं वशिष सोएज। आज वीडियो काफी ऑसम किस्म की होने लगी है, तो यार बहुत ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी आई है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड वर्सेस लॉलीवुड। तो देखते हैं भाई, मतलब दोनों की फिल्म इंडस्ट्री है, अब दोनों को अपनी कंट्री में पसंद जाहिर बाहर रखी जाता है, तो देखते हैं मतलब कौन सी ज्यादा अच्छी है। तो ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब करना, ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि आपको न्यू वीडियो मिल सके। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ये दोनों काफी पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है। ये दोनों इंडस्ट्री कुछ सालों से काफी अच्छी फिल्म रिलीज कर रही है। और अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बारे में बात करें तो ये पूरी दुनिया की पहली सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने मतलब वाली इंडस्ट्री है, जो कि एक साल में एवरेज 1500 से 2000 मूवीज। तो दोस्तों रोज 3-4 मूवीज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म्स और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मूवी के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंडियन और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 10 फिल्म जो अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई की हुई है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बिना देरी किए हाई फिल्म की ग्रॉसिंग बताया जाए वर्सेस हिंदी। तो सबसे पहले हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहले नंबर पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दंगल। जी हाँ, इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को नितेश तिवारी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था और इस मूवी की टोटल कमाई इंडियन रूपी के हिसाब से 2024 रुपये करोड़ थी। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रूपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 1810 करोड़ रुपए थी। नंबर 3 बजरंगी भाई। इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को कबीर खान के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रूपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 969 करोड़ रुपए थी। नंबर 4, नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सेक्रेट सुपरस्टार। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को एडवर्ट चंदन के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रूपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 966 रुपए करोड़ थी। नंबर 5 इस मूवी को तो आमिर खान ही छाया हुआ भाई। इस मूवी को राजकुमार हिरानी के द्वारा काफी यूनिक मूवी, तो बहुत कमाल। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रूपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 832 करोड़ रुपए थी। नंबर 6 में जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रॉबर्ट 2.0। वाओ। जी हाँ, इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को एस शंकर के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रूपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 800 करोड़ रुपए थी। नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है बाहुबली द बिगिनिंग। इस मूवी को एस राजमौली के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। मेरी ऑल टाइम फेवरेट है बाहुबली। टोटल कमाई की बात करें तो कितनी दफा देखी है के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 650 करोड़ रुपए थी। नंबर 8 पे जो मूवी आती है उसका नाम है सुल्तान। जी हां, इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को अली अब्बास जफर के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रूपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 623 करोड़ रुपए थी। नंबर 9 पे जो मूवी आई है संजू। हिंदी टाइटल है संजू। जी हाँ, इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को राजकुमार हिरानी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इस मूवी की टोटल कमाई इंडियन रूपी के हिसाब से 586 करोड़ रुपए थी। भाई बहुत कमाई हो गई है यार इंडियन फिल्म्स के ना। पद्मावत। जी हाँ, इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था। इसमें रणबीर की परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया था। लोगों ने दोनों किया गया था। अगर हम इस मूवी की
टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन मूवी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 585 करोड़ रुपए थी। तो फ्रेंड ये था बहुत फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 पाकिस्तानी तो करीब भी नहीं जाएंगे जितना मेरा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 करोड़ के बारे में। नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है जवानी फिल्म। मैंने देखी है, बहुत कमाल की मूवी है। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को नदीम बेग के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो पाकिस्तानी रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 70 करोड़। मतलब अब तक क्या है इस मूवी हमारी। नंबर 2 पंजाब नहीं जाऊंगी। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को भी नदीम बेग के द्वारा ये क्या पंजाब नहीं जाती है। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो पाकिस्तानी रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 51 करोड़ रुपए थी। मतलब अभी पहले से बहुत अच्छा हुआ, पहले 2 करोड़ कमाती थी मूवी। हां टीफा इन ट्रबल, जी हां। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को एहसान रहीम के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो पाकिस्तान रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 50 करोड़ रुपए थी। नंबर 4 जवानी फिल्म नहीं आनी। इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को नदीम बेग के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इंडियन रूपी के हिसाब से इस मूवी का टोटल कमाई जो था वो था 50 करोड़, लगभग 50 करोड़ रुपये। नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है परवाज है जुनून। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को हासिब हसन के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो पाकिस्तान रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 43 करोड़ रुपये थी। नंबर 6 बिन रोई। इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था। सज्जाद काश्मीरी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो पाकिस्तान रुपी के हिसाब से इस मूवी की टोटल कमाई 40 करोड़ रुपए थी। उस टाइम काफी सबसे पहले नंबर। नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वार। जी हाँ, इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को बिलाल के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इस मूवी की टोटल कमाई 34 करोड़ रुपए थी। नंबर 8 रॉन्ग नंबर। ये बहुत प्यारी मूवी है। इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को यासिर नवाज के द्वारा देखी थी, बहुत प्यारी। अगर हम इस मूवी की टोटल कमाई की बात करें तो इस मूवी की टोटल कमाई 30 करोड़ रुपए थी। नंबर 9 इनका नाम बड़े मजे का था। नंबर 10 बहुत ही अच्छा एक्टर थे यार। फोर्थ में लास्ट ईयर 2016 में रिलीज किया गया जनान। इस मूवी को अजफर जाफरी के द्वारा डायरेक्ट किया गया। मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। टोटल कमाई की बात करें तो 30 करोड़ टोटल कमाई लगभग 30 करोड़ रुपए थी। तो फ्रेंड्स ये था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। तो यार पहली बात के बहुत ही मतलब मैं क्या कहता हूँ कि वो जो है ना ओम पूरी था कि अमरीश ओम पूरी था इसी तरह भाई इस तरह मतलब नाम था। अब वो यार हमें अब याद नहीं आ रहा, आ जाएगा, जानते हैं इनको यार। पहली बात यार सच बोलूं तो यार मतलब इंडिया की मूवीज के तो करीब करीब भी नहीं आ रही जो इंडिया की। हाँ हाँ इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास मूवीज है। और यार मैं सीधी बात आपको बताऊंगा गाइस, पहले मतलब पाकिस्तानी मीडिया एक बहुत अच्छे मकाम पे थी लेकिन वो जो ये और बाद में फिर बहुत गिरी, बहुत ज्यादा गिरी। अब थोड़ा फिर ऊपर जा रही है। अब पहले से थोड़ा अच्छा मतलब परफॉर्म कर रही है, पहले जैसा नहीं कर रही। पहले तो 1-2 करोड़ जो कमाती थी वो सुपर हिट मूवी होती थी। सुपर हिट मूवी होती थी और आजकल नॉर्मल मूवी भी 20 करोड़ तक जा रही है। और आस्ते आस्ते मतलब वो कहते हैं ना स्लो असल में, असल में अब इंडिया का भी स्टार्टिंग में 100 करोड़ क्लब होता था, फिर 200 करोड़ क्लब बना, अब 2000 करोड़ क्लब। इसकी मेन वजह बताता हूँ, इसकी मेन वजह यह है ना कि आजकल मूवीज की मतलब इतनी ज्यादा लोग अब सिनेमा में जाना स्टार्ट हो गए। पहले सिनेमा कम थे,
लोग बहुत कम जाते थे, अब सिनेमा ज्यादा है, लोग इंडिया की तो बात ही कुछ और, बहुत हैवी किस्म का क्रेज है यार, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया में जिस तरह का क्रेज है, मैं कहता हूँ किसी और कंट्री में नहीं होगा। और इंडिया का बताया कि 2000 फिल्में साल की करते हैं, मतलब 1500 से 2000 फिल्में। बॉलीवुड का मतलब यार ये बताया कि फुल मतलब आपको दिन में 4-5 वीडियोज सॉरी मूवीज, हाँ 2-3 मूवीज रिलीज हो रही होती हैं। तो यार आप इसी से अंदाजा लगा लें कितना फेमस है इंडिया इस लिहाज से देखा जाए, और सबसे ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस इंडिया करता है। और दूसरी बात, मतलब काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और यार बहुत मजा आया इस पर एड करके। और यार बाहुबली को सीरियसली मैंने फर्स्ट समझा था, लेकिन फर्स्ट निकली दंगल। असल में वो इस वजह से निकली है ना कि पहले बाहुबली पूरी इंडिया में मतलब फर्स्ट पे थी बाहुबली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया में फर्स्ट पे थी, इंडिया में फर्स्ट पे थी, दूसरे इसलिए ये मतलब ये थोड़ा पीछे रह गई। पहले स्टार्ट में जब दंगल मूवी चाइना में रिलीज हुई ना, दंगल भी काफी अच्छी दंगल थी। दंगल जब चाइना में रिलीज हुई तो 700-800 करोड़ तो सिर्फ बिजनेस उसने सिर्फ चाइना में कर लिया था। क्या? हाँ चाइना में इस वजह से ये आगे बहुत निकल गई। चीनी देख रहे हैं मतलब उनके डब्ड में जो भी लेकिन ये इस वजह से 700-800 करोड़। अच्छा ज्यादा बिजनेस उधर मतलब कर लिया तो ज्यादा मतलब फिर वो हो गया। क्या बात है यार, मतलब सीरियसली इसको देखा जाए तो काफी वो शॉकिंग था। और यार दूसरी बात, मतलब अपनी जगह यार मतलब एंजॉय करना इनका वही होता है कि लोग एंजॉय कर सके इनकी मूवीज से। तो यार मतलब अब क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, इंडियन जो फुल तरीके से मतलब काफी आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। नजर भी आता है कि इंडियन इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा आगे है। हम यही होप करते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी इसी तरह आगे बढ़े और इंडियन भी आगे इसी तरह। और हम यही होप करते हैं कि आप जो है ना इस कोरोना से जल्दी जल्दी मूवीज का हम इंतजार कर रहे हैं यार, रुकी है यार इंडिया की कितनी मूवीज नहीं आ रही अभी। सीरियसली मैं आप देख बोलूं तो पाकिस्तानी मैंने सिर्फ वो एक्टर ने ला देखी थी, हाँ वही बात, और मैंने कोई और इंडिया की मैंने ना वो सारी देखी हुई थी। बिल्कुल संजू को छोड़ के, संजू मैंने देखी दो और हाँ संजू को सिर्फ मैंने देखी है, बाकी मैंने सारी देखी। तो देख लें आप इस अंदाजा लगा लें कितना ज्यादा मतलब पाकिस्तान में ज्यादा लोग इंडियन मूवीज देखता है देखा जाए तो। आप पाकिस्तानी की तरफ भी आ रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ज्यादातर इसमें कोई शक नहीं है, पहले हमारी मूवीज जो है ना बिल्कुल देखने लायक ही नहीं होती थी। सच बताऊं मैं आपको, 90s से पहले वाली मूवीज बहुत अच्छी थी, 2010-2012 तक देखने लायक ही नहीं थी, सच में आपको बता। उसके बाद कुछ, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री कराची जब गई है ना, हाँ फिर सही हुई है लाहौर में। जब से अच्छे मतलब स्क्रिप्ट आ रहे हैं, अच्छी स्टोरी आ रही है, अब स्टार्ट हुई है, लेकिन इंडिया की तो बात ही कुछ और है। इंडिया की यार लेकिन उस लेवल नहीं है, वो जाहिर बात है। सो गाइस आप बताएं, आपने मतलब कभी पाकिस्तानी मूवी देखी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।